आप जैसे हमें यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, देख इतनी मार्जिन रहेगा फिर, और इससे बाद जो भी डाटा रहेगा वो नेक्स्ट पेज पे ले लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मार्जिन क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा जैसा भी आपको लेना है आप यहाँ से रख सकते हैं। ये तो आपने बॉटम से की थी। इसके बाद आता है टॉप में। टॉप में भी आपको लग रहा है कि ज्यादा स्पेस है, ज्यादा मार्जिन है, ये देखिए ग्रे टाइप में आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो इस टाइप का माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा आपका। देन इसके बाद आप यहाँ पे कम कर देंगे, जितनी भी आपको कम करना है, जितनी भी लेनी है आप, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को। अभी तो आपने यहाँ पे पूरे पैराग्राफ की मतलब जितना डाटा था सभी की थी। अगर आपको एक पैराग्राफ या एक लाइन की करना हो मार्जिन सेट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक दबा के रखेंगे। तो देखिए जिस पैराग्राफ पे क्लिक होगा ओनली उसी की मार्जिन सेट होगी, बीच वाले की हो रही है क्योंकि उस पर क्लिक था, ठीक है। तो आप यहाँ इसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं, इसकी करना हो तो इसकी कर सकते हैं आप इस टाइप से, ठीक। तो एक पैराग्राफ की भी कर सकते हैं और एक साथ सभी की कर सकते हैं। तो आ जाएगा आप सभी को, तो अपन इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइन। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका इस टाइप से पेज आएगा। जैसे आपने मैथ में ग्राफिक्स तैयार करते हैं अपन, कुछ ग्रीन का पेज रहता है, व्हाइट पेज रहता है, पता है। तो हाँ, तो इस टाइप से आप यहाँ पे उस टाइप का पेज ले सकते हैं। अगर आपको यूज करना है इसका तो आ जाएगा ये, नहीं लेना तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेविगेशन पैन। ये आपने होम टैब में किया हुआ था। सर्च करते हैं, फाइंड, फाइंड मींस का क्या होता है, सर्च करना या ढूंढना। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेविगेशन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वर्ड आप टाइप करना मतलब सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूअर लिखा, तो आप देखेंगे यूअर बार का रिजल्ट कितनी बार है, 14 बार, मतलब 41, 41 यहाँ पे 14 बार है आपका यहाँ पे। अब ये 14 बार कहाँ कहाँ पर लिखा गया है वो हाईलाइट कर दिया उसने, सभी पेजेस का पता आ रहा है, ठीक। तो आ जाएगा आपको ये नेविगेशन पेन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है जूम। जूम पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अभी आपका नॉर्मल जब आप इसको करते हैं तो ये 100 में रहता है आपका जूम, और अगर आप 200 करना चाहते हैं तो 200 करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे जूम हो गया आपका ये। तो यहाँ पे ये जूम एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा, हो रहा है जूम, कितना हो गया 280, 280 हो गया। माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा, ठीक। और ये फुल जूम होता है 500, हुआ 500। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए 500 बता रहा है परसेंट में, अगर आप यहाँ पे 600 टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो वो आपको बता देगा कि वेट भी मतलब 10 सबसे छोटा साइज 10 तक ले सकते हो, सबसे ज्यादा आप ठीक है हाई और कम, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ओके करेंगे। तो अपन 500 कर देते हैं तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे, ये आपका सबसे ज्यादा जूम रहेगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखनी है और माउस में ये स्क्रॉल बार रहता है, अगर आप अपनी साइड करेंगे तो ये क्या होगा, जूम आउट हो जाएगा, छोटा होता जाएगा आप, हो रहा है, ठीक। और अगर आप बाहर की साइड करेंगे, रूरल उस साइड करेंगे, तो ये जूम इन होता जाएगा आप, हो रहा है। तो आप कंट्रोल और माउस के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर इन ऑप्शंस के द्वारा भी कर सकते हैं, आ जाएगा। अब आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के लिए 100% रहता है आपका, इस पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल आपका देखिए 100 आ जाएगा, ठीक। और सबसे छोटा करेंगे ना तो ये सबसे छोटा आपका इतना छोटा दिखेगा, 10, ठीक। तो आ जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है वन पेज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वन पेज आ जाएंगे इस टाइप से। अपन यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट करते आते हैं थोड़ा डाटा को, तो देखिए इस टाइप से आ गए आपके पेजेस, ठीक। अब यहाँ पे रहता है नेक्स्ट मल्टी पेज। पेज मल्टीपल पेज है, आप इस पर क्लिक करें तो एक साथ आपके दो पेज आएंगे, ठीक। और जितना पेज का साइज छोटा करते जाएंगे एक साथ उतने पेजेस आते जाएंगे आपके पास। जैसे कि हम ऐसे छोटा साइज करें इसका, ठीक है, 3 आ गए, 1 2 3, 1 2 3 आ रहे हैं। फिर और छोटा करेंगे आप तो देखिए एक साथ उसने कितने ले लिए, 5 ले लिए। तो
तो ये मल्टीपल पेजेस होता है कि आप एक साथ कितने पेजेस को शो कराना चाहते हैं, और ओनली आप बन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 100% कर देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है पेज विड्थ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज की थोड़ी सी विड्थ आपकी जूम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अगर थोड़ा आपको पेज विड्थ बढ़ाना हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल करना तो 100% कर दें। तो आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो कुछ और पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, जो भी नहीं आया हो। आ गया?